बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो नाइन्थ क्लास, एज यू ऑल नो वेरी वेल, टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर 7, नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ब्रेकिंग सिस्टम। प्रीवियसली वी स्टडी पास्कल लॉ एंड इट्स वन एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक प्रेस। ओके बच्चा, टुडे वी विल स्टडी ब्रेकिंग सिस्टम। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट। ओके, if you have any question you can ask on dm on instagram as well। okay, to bachcho isi tarah start karte hain aaj ki video ko। agar abhi tak aapne channel ko subscribe nahi kiya to jaldi se subscribe kar dein aur bell icon ko press kar dein taaki aane wale latest lecture aap tak timely pahunch sake aur aap unki taiyari kar sake। as you all know very well ke exams aane wale hain, theek hai na? haan ji। to bachcho chale topic ko start karte hain। to sabse pehle hamare paas aa jata hai naam topic ka, kya hai? breaking system। अब ये ब्रेकिंग सिस्टम जो है ना बच्चों, बहुत काम की चीज़ है। अगर आपने अक्सर मूवीज़ में देखा है वो गाड़ियों के नीचे लेट के ब्रेक फेल कर देते, एक पाइप को वो कट कर देते जिससे ब्रेक फेल हो जाती है, ठीक है ना बच्चों? हाँ जी, चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि एक हमारे पास जो टायर होता है, एक टायर है, उस टायर का अंदर जो एक्सल है उसके अंदर यहाँ पर हमने रखे होते हैं ब्रेक शू, ठीक है ना? यहाँ पर ब्रेक शू लगे होते हैं, ये एक, ये दो। फिर इन ब्रेक शू के साथ बच्चों आपको पता है यहाँ पर ये आपस में अटैच होते हैं किस तरह? स्प्रिंग के साथ। ये सारी बातें आपको पता है, जिन्होंने अगर कभी डलवाए हैं बाइक में तो उनको पता होगा। तो अब एक और बात, खाली यही नहीं होते, जब यहाँ पर एक पिस्टन भी लगा होता है जिसके अंदर होता है पानी हाइड्रोलिक ब्रेक्स के लिए। तो बच्चों ये देखें, जब यहाँ पे ये जो पाइप आ रहा है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये वो पाइप था, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास वही ब्रेक का वो पैडल है जिस पर हमने ऐसे अपना पाँव रखा होता है बच्चों। तो जब आप इस ब्रेक को प्रेस करेंगे, यहाँ पे जो लिक्विड है, ये लिक्विड कहाँ जाएगा? ये लिक्विड यहाँ से गुजरता हुआ जनाब इन ब्रेक शू को पुश करेगा और वो जाके इस टायर के साथ अटैच हो जाएंगे, और जिससे ब्रेक फ्रिक्शन की वजह से टायर और ब्रेक शू के समय फ्रिक्शन होगी जिससे टायर रुक जाएगा, ब्रेक लग जाएगी। लेकिन अगर कोई इस पाइप को काट दे तो ब्रेक फेल, जैसे आपने मूवीज में देखा ना। हाँ, तो इसी तरह यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी ऐड होती हैं जिसका यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया हुआ है। यहाँ पर इस तरह एक और, क्योंकि दो टायर होते हैं गाड़ी में, एक तो होता नहीं है, एक आगे भी है टायर जी, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसी तरह यहाँ पर एक और टायर है। तो यहाँ पर जनाब कुछ इस तरह से ये कोई थ्री डिमेंशनल शेप बनती है, याद रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर भी इसी तरह हम क्या यूज़ करते हैं, यही ब्रेक शू यूज़ करते हैं, पिस्टन यूज़ करते हैं, डिस्क, इसकी लेबलिंग डायग्राम आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों? हाँ जी, तो इसी तरह आपको उम्मीद है समझ आ रही होगी, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, कभी आया तो नहीं, कभी मैंने करवाया नहीं बच्चों को, लेकिन अगर इन केस आ जाए तो आपको ये डायग्राम अच्छे से आपने इसको ड्रॉ करना है और इसको एक्सप्लेन कर देना जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना? हाँ जी, चले उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसमें आपने का कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके, ठीक है ना बच्चों? हाँ जी, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।